एनर्जी, अलग अलग वेवलेंथ के इसमें एनर्जी रेडिएशन भरे पड़े हैं, ठीक है। तो कहता है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द इन विच रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू। अगर रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज द पावर यार, पावर इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। क्यू इसमें से क्यू बाई टी की वैल्यू कौन सी होगी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द स्टार बाय स्टेफेंस लॉ इज इक्वल टू स्टेफेंस कांस्टेंट इमिसिविटी टेम्परेचर टी की पावर 4 एरिया ए टी टाइम, टी टाइम में ए सरफेस एरिया लेके, टी टाइम में ए सरफेस एरिया लेके कोई जनरल बॉडी कितनी हीट एनर्जी रेडिएट की, उसका इक्वेशन है। अब अगर ब्लैक बॉडी है तो E की वैल्यू 1 होती है, इमिसिविटी 1 होती है, तो Q इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई T, दैट इज स्टेफेंस कॉन्स्टेंट सिग्मा और T की पावर 4 और सरफेस एरिया A। तो सरफेस एरिया A, इसका मतलब ये हुआ कि Q बाई T, यही तो पूछा जा रहा, पावर और सिग्मा और T की पावर 4 और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ टेम इज ए ब्लैक बॉडी व्हाट विल द टेम्परेचर ऑफ द स्टार विच रेट एनर्जी क्यू, ये एक्चुअली ये क्यू बाई टी दिया हुआ, ये जो पावर है दैट इज पावर यहाँ पे क्यू बाई टी है, रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, समझ रहे हो ना, क्यू एक्चुअली ये क्यू दिया हुआ, तो इसको कुछ मान लो एनर्जी ई बाई टी, एनर्जी ई बाई टी मान लो, तो ई बाई टी यहाँ क्यू दिया हुआ, तो इसको मैं ई सिग्मा और अब 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टेम्परेचर पूछ रहा है कि पावर 1/4, दैट इज द टेम्परेचर फाइनली, ठीक है। टेम्परेचर टी पूछ रहा है यार, टी पूछ रहा है और इसको क्यू दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, दैट इज डी ऑप्शन सही है, आ गया समझ में, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन क्यू दिया हुआ है, मतलब ई वाई टी दैट इज द क्यू है, पावर जो है वो क्यू है। तो दिस इज द ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द मी, आप मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट दो यार, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।